नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीपी प्रेशर गेज के बारे में। ये देखिए, और एक्चुअल में ये इसको आप प्रेशर गेज बोलना सही रहेगा, बीपी प्रेशर गेज नहीं, क्योंकि इससे आप FP का भी प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो केवल आप इसे प्रेशर गेज के नाम से पुकारिएगा। जो भी ट्रेन मैनेजर्स हैं उनको यह सप्लाई किया जाएगा। जिस जगह आपकी पोस्टिंग होती है उस जगह के इंचार्ज द्वारा आपको यह प्रदान किया जाता है, और यह आपका पर्सनल सामान है, तो इसे हमेशा अपने साथ रखें, कभी भी इसे कहीं पर मत भूलें। और दोस्तों, इसको लगा कर भी ना भूलें। इसको कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, और इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। कैसे इसमें प्रेशर चेक करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक, आपको बहुत ही काम की चीजें पता चलने वाली है। आप देख रहे हैं ये बीपी प्रेशर गेज है, और ये इसको एडॉप्टर बोलते हैं। ठीक है, आपको दोनों एक साथ सप्लाई किया जाएगा। पहला सवाल आता है कि प्रेशर गेज कहाँ मिलेगा। भाई, प्रेशर गेज मार्केट में नहीं मिलेगा, यह RDSO द्वारा सर्टिफाइड होता है, रेलवे सप्लाई करती है, तभी मिलेगा आपको। आपकी जिस लॉबी में पोस्टिंग होगी उस लॉबी के इंचार्ज द्वारा आपको यह प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, अब आपको प्रेशर गेज सप्लाई तो हो गया, अब आप वहाँ जाके पूछेंगे थोड़ी भाई इसको यूज़ कैसे करना है, इसके लिए तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा ना। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ प्रेशर गेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये एडॉप्टर है, सबसे पहले आपको एडॉप्टर को प्रेशर गेज में टाइट करना होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस एडॉप्टर को टाइट करते हैं। आपको इसके नोज़ल पे डालना है और इस प्रकार से टाइट कर देना है, और इसको अच्छे से पूरी तरीके से टाइट कर दीजिएगा कि लीकेज ना हो। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रेशर गेज को कहाँ लगाना है और कैसे एयर प्रेशर चेक करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर तीन पाइप देख रहे होंगे। बहुत सारे नए लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्रेशर गेज को आप किस जगह लगाएं अपन, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत काम का है। आप लोग तीन पाइप देख रहे हैं, तो ये है, ये FP के लिए है। ठीक है, FP का अगर प्रेशर चेक करना है तो यहाँ करेंगे। ये गार्ड इमरजेंसी हैंडल है, इससे आपको कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए और इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के लिए ये हैंडल का यूज होता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये क्विक कपलर है, क्विक कपलर को बोलते हैं। जब भी अगर प्रेशर गेज नहीं लगेगा तो अगर CNW को बताना है तो भाई कैसे बताओगे, आपको पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्विक कपलर। देखो, रेगुलेटर जैसे लगाते हैं उस टाइप से ही होता है, इसको दबा के फिट करना होता है। और ये जो लंबी पाइप है, ये जो लंबी पाइप देख रहे हैं इसको ब्रांच पाइप बोलते हैं। तो पार्ट्स का नाम याद आ गया, ये ब्रांच पाइप, ये क्विक कपलर, ये गार्ड इमरजेंसी हैंडल, और ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको गार्ड इमरजेंसी वॉल्व बोलते हैं। इसमें 8 mm का चोक होता है। तब आपको मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, कुछ नहीं करना है। ये बीपी का ब्रांच पाइप है, इसमें क्विक कपलर में इसको घुसा देना है और जोर से दबा देना है। आपको लॉक होने की आवाज़ आएगी, आई ना, वैसी आवाज़ आती है और ये लॉक हो जाता है। देखो, ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये हैंडल का यूज़ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। ये देखो, ये हैंडल जो है ये ब्रेक लगाने के लिए है, तो आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। आपको अगर प्रेशर चेक करना है तो आपको इस पाइप को देखना है ध्यान रख के, यहाँ पर आके इसको खोलना है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं प्रेशर खोलूंगा तो यहाँ पर 4.7 टू 4.8 kg दिखाएगा बीपी प्रेशर गेज। मैंने इसे पूरा खोल दिया है, प्रेशर यहाँ से होते हुए प्रेशर यहाँ पर जा रहा है, पूरा 4.8 4.9 kg है लगभग अप्रॉक्स। अब इसे बंद करने के लिए आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देना है। ये प्रेशर शून्य हो गया, तो आपने इसे फिट तो कर दिया, अब आपको रिलीफ हो रहा है तो इसको निकालना भी तो पड़ेगा। तो निकालने समय बड़ी दिक्कत होती है आपको, इस जो नोजल दिख रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये इसको ऊपर करके आपको इसको खोलना होता है। तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होता है दोस्तों। यहाँ तो मैं वीडियो शूटिंग केवल मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। मैंने बड़े ही प्यार से अपने प्रेशर गेज को निकाल दिया। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर गेज आपको कहाँ मिलेगा, इसे कहाँ लगाया जाएगा और इसे में प्रेशर कैसे चेक किया जाएगा। दोस्तों, आपने सुना बीपी FP, तो बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पाइप और FP का मतलब होता है फीड पाइप, या ट्रेन के ब्रेकिंग से संबंधित है, और इसमें एयर प्रेशर का प्रभाव होता है। दोस्तों, जब भी लोको पायलट ब्रेक लगाएगा तो वो प्रेशर में कमी करेगा। प्रेशर में कमी होने से ट्रेन का जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है वो काम करता है। प्रेशर में कमी होने से ब्रेक पकड़ता है, फिर जैसे प्रेशर वो नॉर्मल करता है ब्रेक रिलीज हो जाता है, और ये सारे प्रेशर यही बीपी और FP में ट्रेवल करते हैं। बीपी के प्रेशर में कमी से ट्रेन में ब्रेक अप्लाई होता है, और वही प्रेशर में कमी का इंडिकेशन आपको आपके प्रेशर गेज में मिलता है। दोस्तों, ट्रेन में बीपी प्रेशर कितना होता है, तो मैं बता दूं, इंजन में 5 kg होता ही होता है, और ब्रेक वैन में आपका 4.7 टू 4.8 रहता ही है। ठीक है, उससे कम थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन इतना आपको हर ब्रेक वैन में, हर इंजन में मिलेगा ही मिलेगा, 5 kg टू 4.7 टू 8 kg।
ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, और नहीं भी आया तो भी लाइक कर दें। तो मैंने वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक परफेक्ट ट्रेन मैनेजर बना दूँ और मैं खुद भी बन जाऊँ। तो मेरे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बहुत दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।